परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, अपने तंबू का स्थान छोड़ा कर तेरे डेरे के पाट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। कितने लोग ने जब पंडाल देखा है, टेंट्स देखा है ना आपने, जब कोई शादी फंक्शन होता है टेंट्स लगाते हैं। टेंट लगाने के लिए क्या चाहिए, लंबा सा कील होता है, हाँ, कील डालकर रस्सी बांधकर लकड़ी रख के किससे है पंडाल कितना डालते हैं, छोटा डालते हैं बड़ा डालते हैं, नहीं 100 गज काफ़ी है, 100 गज काफ़ी है, कहेंगे क्या बोलेंगे, और बड़ा कर और बड़ा कर। परमेश्वर भी आपको इस वचन के द्वारा कहते हैं कि मैं तुझे और तेरे बच्चों को, तेरे बच्चे बच्चों को, तेरी जगह को, तेरी काम को ऐसा ही बढ़ाने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं अपने तंबू का स्थान छोड़ा कर। कितने लोग चाहते हैं मुझे 2 बिस्वा की घर काफ़ी है, बताओ हाथ उठाओ, 1 बिस्वा, आधा बिस्वा, 1 रूम। मैं जब चेन्नई में था, नौकरी करता था शुरुआत में, मैं मेरी पत्नी, सामान कुछ नहीं था हमारे पास। जब हम गए उस घर में ज्वाइन करने, घर लेने, मेरे पास एक बैग का कपड़े था, बैग में 4 जोड़ी, उनके पास कुछ कपड़े थे, बस कुछ नहीं था। तो वैसा शुरुआत हुआ हमारा आत्मिक जीवन, एक विश्वासी की तरह। हम ईमानदार थे चर्च जाने में, सैटरडे संडे ऑफ था, हर सैटरडे मैं मेरी वाइफ उपवास प्रार्थना, एक जगह उसी छोटे कमरे में, छोटा किचन, इतना ही किचन, इतना बाथरूम, इतना हॉल, इतना बेडरूम, बस बेड भी नहीं घुसेगा। वैसा शुरुआत हुआ जीवन। हमने कभी नहीं सोचा कि हम यहाँ तक आएंगे, क्या होगा। मैं कब बोल रहा हूँ पता है, 11 साल पहले बोल रहा हूँ, तब से यही वचन बता रहा था, अपने तंबू का स्थान बढ़ा कर, चौड़ा कर, तो दाएं बाएं बढ़ेगा। कोई आइडिया नहीं था मेरे मन में, मैं सोचा ओके मेरा बेटा करेगा या उसका बेटा करेगा, हाँ लगता है ना, हाँ वो करेगा, मेरे साथ नहीं होगा, मैं भी ऐसे ही सोचा। बाद में वहाँ से हाउस शिफ्ट हुए और एक घर, वो थोड़ा बड़ा था, फिर वहाँ थोड़ा बड़ा था, फिर हैदराबाद आए, हैदराबाद में फिर पेंट हाउस में थे सेवा आने के बाद। नौकरी में जब था थोड़ा बढ़ता गया, फाइनेंस बढ़ता गया, 2.5 साल उस घर में रहे। जब हम आए 2 बैग कपड़े से आए, जब जाए लारी सामान से गए बाहर। हालेलुया। मालकिन रोने लगी, तुम बहुत अच्छे परिवार हो, 2.5 साल थे तो हमको सब लोग छोड़ दिए, सब लोग विरोध किए, लेकिन हमने प्रभु को नहीं छोड़ा, हमने किसी पर डिपेंड नहीं हुआ, हमने बस परमेश्वर तूने बुलाया है, जितने लोग ने हमारा ना बेइज्जती की, हमारा सर ऊंचा कर, एक दिन आएगा वो लोग फ़ोन करके कहेंगे प्रार्थना कर। हालेलुया। वो कब बोला, 2014 में बोला परमेश्वर, 2019 सेवकाई आने के बाद से मेरे जीवन में वो सारे भविष्यवाणियाँ हो रहे हैं। मेरे रिश्तेदार जितने लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, आज वो लोग रोड पे हुए, तकलीफों में, फ़ोन करके कहते हैं प्रार्थना कर हमारे लिए, हम तकलीफ में है। आ रहा है समझ में, परमेश्वर के बच्चों को कोई कहेगा ना, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, नतीजा देगा, लेकिन हमें चुपचाप रहना है। मैं एक ही सीखा है मैंने, नम्र दीन, बोलने वालों को भूलने दे, तू चुपचाप रह। मेरी वाइफ एक ही बात कहती है, संतोष हमें उनको बोलने से काम नहीं चलेगा, काम प्रभु करेगा ना अपने जीवन में, तब वो लोग देखेंगे ना, तब वही साबित करेगा। हम ना बाइक ना साइकिल कुछ नहीं था, बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर अंदर पैदल जाते थे, ठीक है, जंगली जैसा रहता था रास्ता। चर्च होने के बाद शाम 5 बजे 50 किलोमीटर दूरी में थे हमारा चर्च, 50 किलोमीटर हर संडे सुबह 6-7 बजे निकले हुए लोग शाम 6-7 बजे आते थे। हमारा चर्च का टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक है। आप तो ऐसा पकड़ेंगे कहेंगे लंच भी नहीं होगा, पास्टर जी बोलते थे आज ये आत्मिक वचन है, उपवास रहो बैठो। मैं कभी भी हिम्मत करके मेरी वाइफ की ओर नहीं देखा, ठीक है, जेंट्स इधर लेडीज इधर, उतना स्ट्रिक्ट है। एक दिन ऐसा ही मैं मेरी वाइफ ऊपर एक लेट हो गया, चर्च लेट आ गए, बालकनी में बैठे हुए थे, बाजिक बैठे, भजन बोल रहे थे पास्टर जी। नॉर्मली मेरी वाइफ मुझे देखकर हंसने लगी, कुछ बोलने लगी, हे संतोष क्यों बैठे उधर, आगे से ऐसा नहीं बैठना है, अलग अलग। बस वो धमकी। सेवकाई आने के बाद कभी, सेवकाई आने के बाद मैं अकेला आता तो पास्टर जी बोलते, अरे तेरे वाइफ को ले गया, समझ रहे हैं ना,
हम इतना आदर करते हैं, इज्जत देते हैं, परमेश्वर का दास का बात हम परमेश्वर की बात की तरह लेते हैं, इसीलिए हम आशीष पाए हैं। समझ रहे हैं ना, आशीर्वाद कैसा मिलेगा बताए, जब परमेश्वर की दास के बात के अधीन होते हैं। परमेश्वर के दास कभी भी आपको अपनी पर्सनल से नहीं बोलेगा, परमेश्वर की प्रेरणा से बोलता है कि आप अच्छा रहे, खुशी से रहे। जो लोग ईमानदार होते हैं, भक्ति करते हैं, नम्र होते हैं, अपने आप को दीन रहते हैं, अपना शो ऑफ नहीं करते, परमेश्वर उनको बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। जैसे अब्राहम से बोला, तो अपना घर, माँ बाप, रिश्तेदार, सारे चीज़ों को छोड़कर जिस जगह मैं दिखाऊंगा तू वहाँ जा, मैं तुझे आशीष दूंगा, वैसा ही मैं भी प्रभु की आज्ञा माना यहाँ आया। मैं आने के बाद मैं बोला आपसे बहुत बार, मेरा ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना कोई है, मेरा सिर्फ प्रभु ही है। बस वो प्रभु अब तक मुझे यहाँ लाया है, मुझे यहाँ खड़ा किया है। जब मैं जगह भी लिया, लोग कहने लगे यहाँ कौन आएगा, यहाँ क्या चलेगा, कैसा होगा, लेकिन मैंने एक ही विश्वास किया, बुलाया वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। लोग छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो मेरी जीवन में परमेश्वर ऐसा ऐसा आशीष देता रहा। बस मैंने एक ही सीखा, जब प्रभु बढ़ाते रहेगा हमें और दीन होना है और नम्र होना है। कभी भी अपने आप को घमंड नहीं करना है। घमंड शैतान का स्वभाव है, घमंड, गुस्सा, ईर्ष्या ना कभी करता मैं। जब कोई मेरे साथ, मेरा दोस्त बढ़ते थे, उनके लिए खुशी रहता हूँ। मेरा जो हिस्सा है मुझे देगा प्रभु। हालेलुया। मेरा हिस्सा मुझे देगा। मेरे दोस्त कहने लगे, जब नौकरी छोड़ता था, सेवकाई के लिए रिजाइन किया, बोले पागल है तू, US जाना है, मलेशिया जाना है, सिंगापुर जाना है, अच्छा नौकरी है, 2-3 लाख का पैकेज महीने में मिल रहा है, सेवा सेवा बोल के इस जवानी में क्या करेगा, अच्छा कमा, 40-50 साल के बाद रिटायर हो, घर बना ले, बैंक बैलेंस रख ले, तब सेवा कर। बोला प्रभु को मैं पहला अच्छा जवानी का उम्र में देना चाहता हूँ, द बेस्ट मैं देना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में एक ही सीखा जी, प्रभु को मैं बेस्ट चीज़ें देता हूँ, बेकार बच्चे हुए नहीं देता। मेरे ज़िंदगी में जो भी देना है द बेस्ट देना है। इसीलिए मैंने अपना बेस्ट जीवन, बेस्ट चीज़ें सारे दिया था। तो जो लोग प्रभु को द बेस्ट देते हैं, प्रभु भी उनको द बेस्ट बेस्ट देता है। सीक्रेट यही है, द बेस्ट दोगे तो परमेश्वर आपको और भी बेस्ट देगा। तो ऐसा परमेश्वर ने यहाँ तक लाया। तो यहाँ वचन में लिखा है, तू मत डर, तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। अब लोग आपको मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, नो वेस्ट वेस्ट वेस्ट, लेकिन प्रभु कहते हैं तो फिर कभी लज्जित नहीं होगी, तुझ पर सियाही ना चाहेगी, तो अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। उस दिन प्रभु ने मुझे बोला, 2013 में नौकरी में शुरुआत था, सब लोग मेरा फ़ोन करके, हा क्या है, कुछ नहीं है प्रभु प्रभु, सब लोग छोड़ दिए, क्या क्या हुआ। उस दिन की बातें हैं वचन, 2013 की। अब पुली बंद, तू क्या, परमेश्वर आशीष दे रहा है तो बढ़ रहा है, तेरा क्या, तू भी मान ले प्रभु को, किसने मना किया, तू भी जा चर्च को, तू भी विश्वास कर। एक समय मेरे रिश्तेदारों का बहुत पैसा था, सारे पैसा गवा दिए बिजनेस में, मेरा कुछ नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है, बस प्रभु का आशीर्वाद है मेरे पास। प्रभु का आशीर्वाद है वो काफ़ी है। परमेश्वर का आशीर्वाद कई करोड़ों रुपए से ज़्यादा है। परमेश्वर का आशीर्वाद दूसरों को देने का सहायता करता है। आप मांगोगे नहीं, दोगे, ये प्रभु का आशीर्वाद है, मैंने यही सीखा है। तो प्रभु की प्रेरणा से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर हाथ जितने लोगों ने उठाया ना, प्रभु सारे हाथों को उतार देगा। समझ रहे हैं ना, कोई भी उठाया हो हाथ उतार देगा, उतारने वाला वो है। आप हाथ पकड़ गए कितना मेरे पर बोलेगा, कुछ मत बोलो, साइलेंट, बोलने वालों को बोलने दो, डांटने वालों को डांटने दो, चुपचाप रहो। क्या प्रॉब्लम होगा बताए, जब आप बात करोगे ना, प्रभु बोलेगा तू ही बात कर लिया, मैं क्यों बात करूं, कर ले, लड़ ले, जा, अपना प्रॉब्लम तू ही हैंडल करेगा तो मैं क्यों, अपना प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर लो, तुम ही कर लो सब कुछ। लेकिन प्रभु का सिस्टम ये नहीं है। प्रभु कहता है जब तू चुपचाप बैठ के मुझे देखेगा, मैं काम करूँगा। मूसा ने यही किया, लाल समुंदर के सामने गए थे, इसराइली लोग थे, 20 लाख लोग, पीछे फेरोन की सेना आ रही थी। मूसा ने नहीं बोला ए मेरे हाथ में लाठी है, इस लाठी से मैंने कितने चमत्कार किया, अब भी कर दूंगा, ऐसा नहीं बोला। प्रभु
फेरोन की सेना आ रही है, सामने समुंदर है, पीछे शत्रु है, ये लोग कुड़कुड़ा रहे, मुझे मारने की कोशिश करे, क्या करो बता, दोहाई देने लगा, परमेश्वर से पूछने लगा। जब आपको प्रॉब्लम आए परमेश्वर से पूछो, क्या करना है, परमेश्वर से पूछना है। तब परमेश्वर ने बोला, क्यों रोता है, अपनी लाठी उठा, हाथ बढ़ा, बढ़ाया। उसने सवाल नहीं पूछा, प्रभु लाठी उठाने से क्या होगा, हाथ बढ़ाने से क्या होगा। जब आप ये सवाल पूछते रहोगे ना, प्रभु का आशीष रुक जाएगा। सवाल पूछना आज से बंद कर दो। जब एक वादा प्रभु ने दिया है, विश्वास से अंधभक्त समझो, अंधभक्त समझो, अंधभक्त के साथ मुझे दिया है पूरा करेगा। आज मेरे साथ क्या है बताएं, मेरे पास करोड़ों का पैसा नहीं है, करोड़ों का वादे है मेरे पास, एम्प्टी चेक है, कोई साइन डाल के दिया आपको, आप लिख लो कितना चाहिए उतना। परमेश्वर के वादे एम्प्टी चेक के समान है, जब चाहे परमेश्वर बैंक में डोगे ना, दो तीन दिन में अकाउंट में पैसा गिरेगा। मेरे पास वादे है, क्या हिम्मत है आपके पास, क्या है पीछे, क्या है, बैंक बैलेंस है, परिवार का सपोर्ट है, क्या है, कुछ नहीं है, प्रभु का वचन है, वादा है, प्रॉमिस। मैं हर जन्मदिन को प्रभु से एक ही पूछता हूँ, मुझे एक वादा दे, लॉर्ड गिव मी अ प्रॉमिस, वचन, वादा मांगता हूँ। आज प्रभु कहते हैं, यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। देखो, कई बार आपकी ये सिचुएशन को देखकर शायद लोग डांटेंगे, मस्सी मजाक उड़ाएंगे, छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, बस कुछ समय के लिए दुख, क्षण भर के लिए मैंने तो छोड़ा है। कोविड के काल में, कोरोना काल में सब लोग छोड़ देते हैं, हमसे हुआ, मैं मरने वाला था कोरोना में, ना कोई आ सके, ना डॉक्टर, हॉस्पिटल ने कहा हो जाएगा, लेकिन उस समय प्रभु मेरे साथ थे। आप सोचे, कोरोना एक महीने में दो बार लग गया, एक बार लग गया बच गया क्वारंटाइन में, दूसरी बार झटका लगा उठ नहीं पाया, 9 दिन 104 फीवर, दवाई काम नहीं कर रहा, खाना नहीं, लीवर बंद। उस रात मुझे प्रभु आकर 1:30 बजे चंगा करने लगे, छूकर, तब बोले प्रभु ने कि पंजाब जा, यहाँ क्यों रहता है। वो बात मैंने रोते हुए स्वीकार किया। इसीलिए चाहे कितना दुख हो, तकलीफ हो, मैं प्रभु का वचन पूरा करने आया। हालेलुया। तो जब प्रभु का वादा जो पकड़ के प्रभु के लिए चलता है, प्रभु उसको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो मैं आपको इस दिन यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वादे पकड़ो। जब दुख आए, डिप्रेशन आए, वचन पढ़ो। मैं जो दुख आया ना, वचन पढ़ता हूँ, अपने तंबू का स्थान छोड़ा कर, हाथ मत रोक, मत डर, तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी, ये वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ते प्रार्थना करते। ये बात सीखो, आपको एक टिप दे रहा हूँ, जब भी आपको दुख आए इमीडिएटली बाइबल खोलो, आपको जो वादे परमेश्वर ने दिया है उसे पढ़ो, पढ़ के प्रार्थना करो, वादे पढ़ो प्रार्थना करो, वादे पढ़ो प्रार्थना करो। थोड़ी देर आपको अन्य भाषा आता है, अन्य भाषा में करो, अच्छी बात है, लेकिन वादा के साथ करना है, वचन के साथ प्रार्थना करना है। किससे करना है? वचन से प्रार्थना करना है। सीक्रेट यही है, वचन चाबी है। क्या है? स्वर्ग के राज के कुंजियां तुझे दूंगा, तो जो खोलेगा खोला जाएगा, जो बांधेगा बांधा जाएगा। वचन मैंने तुझे दिया है, चाबी दिया है, तेरे मुंह से जो बोलेगा होगा। हालेलुया। तो यहाँ एक और वचन है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। ये आप सबके लिए है। जब मैं गाड़ी में निकल रहा था, प्रभु क्या बोलूँ क्या बोलूँ, तो पहला ये था, दूसरा वचन ये था, परमेश्वर कहते हैं चाहे पहाड़ हट जाए, हाँ पहाड़ियाँ टल जाए, जो भी हो जाए, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, मेरी शांतिदायक वाचा। परमेश्वर ने वाचा बांधा है आपसे। कितने लोग जानते हैं वाचा का मतलब क्या है? कवनेंट, कवनेंट। वो कवनेंट में जो लोग रहते हैं ना, मतलब प्रोटेक्शन की तरह होता है वो कवरेंट। परमेश्वर ने वाचा, परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा है। जो लोग वाचा में रहते हैं ना, उनका कोई कुछ नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए, उनका परिस्थिति अतल पुतल हो जाए,
उनको घर में से भगा दे, सब नुकसान हो जाए, सारे चले जाए, लेकिन वो करुणा, वो शांति उनके जीवन में कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। तो का सिचुएशन जैसा भी है, मैं आपको एक ही क्या बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वादा पकड़ो। आज यशायाह 54:2-10 पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर पूरा करेगा। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, मेरी शांतिदायक वचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। परमेश्वर आपसे दया कर रहा है। पुराने समय में परमेश्वर नूह के समय में गुस्सा आया, लोग पाप बढ़ गया, जल प्रलय के द्वारा पूरा नाश कर दिया, लेकिन अनुग्रह के समय में है, यीशु मसीह दया कर रहे हैं, मौके दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। तो इस मौके को, इस समय को हल्के से मत लेना। हाँ कोई बात नहीं, प्रभु क्षमा कर देगा। हाँ कोई बात नहीं, माफ़ी मांगो चर्च में आके, क्षमा कर देगा। ऐसा कभी हल्के से मत लेना। जानबूझकर बच्चा गलती करेगा तो क्या होगा? क्षमा करेंगे माँ बाप, लेकिन जानबूझकर किया तूने। हमें भी ऐसा ही है, जानबूझकर अगर अनजान से बिना किए हैं तो प्रभु एक दो मौके देगा, क्षमा करेगा, समझाएगा। क्यों संडे संडे वचन बोलते हैं, क्यों उपवास प्रार्थना करते हैं, क्यों ऑल नाइट प्रेयर आपको बुलाते हैं? ताकि आपको सिखाए कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ये प्रभु का इच्छा है, ये हमें सीखना है। देखो, परमेश्वर के साथ रिश्ता को और बढ़ाओ और परमेश्वर करीब जाओ। जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है वो कभी नहीं गिरेगा। हालेलुया। क्या बोला? जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है वो कभी नहीं गिरेगा, उसके ऊपर दया करुणा कभी नहीं हटेगी। तो अभी इस वक्त हम ये बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, आज हम जो भी है आपकी दया से है परमेश्वर। आज ये मीटिंग में जो आए हैं, वचन सुने हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने कहा तेरी तंबू का स्थान छोड़कर आने वाले दिनों में सारे लोगों को आप घर देने वाले हैं, उनको सेटल करने वाले हैं, उनके काम में, बिजनेस में आप आशीष देने वाले हैं। मैं यीशु प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता, मेरे खुदावन, आज जो वचा आपने दिया, तेरे स्थान को मैं छोड़ा करूँगा। तू दाएं बाएं सारे तरफ से तू बढ़ेगा, तेरी वंश बढ़ेगी, तेरी जाति बढ़ेगी, तेरे बच्चे बच्चे आशीष पाएंगे। जो लोग तेरे ऊपर हाथ उठाए हैं एक दिन तेरे पास आकर मांगेंगे। परमेश्वर तेरे साथ है, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमें सहायता कर, ऐसा मैं तुझको बनाऊंगा। विश्वास से पूछो, मेरे साथ ये बातें बोलिए, मैं आने वाले दिनों में मेरा तंबू का स्थान चौड़ा कर परमेश्वर, मुझे घर दे प्रभु, मुझे सेटल कर प्रभु। मैं जिसमें भी काम करता हूँ उसमें आशीष पाओ, मेरे बच्चे आशीष पाए, हम आत्मा में, भक्ति में और हार्दिक स्थिति में हमारे चारों ओर आशीष पाते रहे, बढ़ते जाए, तेरी नाम की महिमा हमारी जिंदगी द्वारा पूरी कर ले यीशु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं पिता, आमेन। हमारा पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।